हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या कुछ फीलिंग्स हैं, क्या कुछ इमोशंस हैं, क्या कुछ डीप सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, वो हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है? तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के बारे में मुझे गाइड करें। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? ओके, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के बारे में मुझे गाइड करें। ओके, तो यहाँ है टी कप। ओके, सो कार्ड में थोड़ा सा ऊपर रखती हूँ, कार्ड आपको अच्छे से दिखाई दे। डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। ओके, लेकर की एनर्जी के बाद आया है पावर का कार्ड। ओके, देख लेते हैं और कार्ड्स मेरे साथ। बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ बने रहिए, फोकस करते रहिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, हर एक एनर्जी, हर एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है? ओके, सारे कार्ड्स को मैं क्लियर करूंगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द सोल। किसका किसका कलर यहाँ पे जो है, किसका किसका फेवरेट कलर यहाँ पे वाइट है? बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे जिनका फेवरेट कलर वाइट होगा, वाइट काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ऐसी एनर्जी मुझे फील होती है कि आप दोनों की जो एनर्जी है या आपके और आपकी पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना, कुछ इसी प्रकार है, बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बहुत ही ज़्यादा प्योर। आपके मन में आपके पार्टनर के लिए जो आपने लिख दिया है, जो भी आपने लिखा है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है, कोई भी मिटा नहीं सकता है। एंड इतना ज़्यादा जो है ट्रू फीलिंग्स हैं या ट्रू इमोशंस हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा ही अंदर से जो कहते हैं ना कि अंदर से जो दुखी है वो जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं आपके पार्टनर को और आपके बीच में दरार देख पा रही हूँ। आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं, देखिए क्या है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है ना, ऐसा कनेक्शन है जहाँ से आप ना अलग हो पाते हो और ना ही आपके पार्टनर अलग हो पाते हैं। आप मूव ऑन करने का कई बार ट्राई कर चुके हो, लेकिन मूव ऑन करना आपके बस की बात नहीं है। घूम फिर के आपका जो पार्टनर है ना, वो आपके दिल दिमाग में आने लगता है और आप उसी वक्त अपने पार्टनर की तरफ डाइवर्ट हो जाते हो। अगर आपके पार्टनर ने आपको कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, गलती से भी कर दिया, तो आप उनके बारे में सोचने लगते हो कि हाँ कैसा होगा, कैसी होगी, कहाँ होगा, कहाँ होगी, ये सारे ख्याल जो है ना आपके मन में आने लगते हैं। ये चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिखता है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग से इमोशंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? चलिए, टी कप की एनर्जी के साथ डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। टी कप की एनर्जी प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्यों है यहाँ पे? ओके, एट ऑफ कप्स,
नाइट ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, आप दोनों का कनेक्शन अगर ऑनलाइन का कनेक्शन है, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों मिले या आप दोनों के बीच में बातचीत हुई या आप दोनों का रिलेशन बना है सोशल मीडिया के थ्रू, तो मैं बता दूँ आपको कि आज आपके पार्टनर बहुत डीपली सोचते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिखता है कि आपके पार्टनर आज आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत डीपली मिसिंग है, मिसिंग एनर्जी बहुत डीपली है, बहुत डीप मिस करते हुए ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपके जो पार्टनर है ना आपके साथ, ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से जो अपने आप को दुखी है ना, वो दुखी कर गए हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर अंदर से जो है अपने मन को, अपने जो है अपने जो दिल को है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है ना कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और इस रिश्ते में जो है ना ऐसी एनर्जी है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपका और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाला कनेक्शन है एंड इमोशनल कनेक्शन है। आप दोनों इमोशन से जुड़े हो। आपके पार्टनर एक वक्त का ऐसा इंतज़ार कर रहे हैं जिस वक्त आप दोनों मिलोगे, आप दोनों के बीच में काफ़ी इमोशनल बातें भी होंगी और आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी कनेक्ट भी हो पाएंगे, काफ़ी कनेक्ट है ना। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच का जो रिश्ता है, देखिए इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा खूबसूरती आनी चाहिए, इतना ज़्यादा जो है पॉजिटिव एनर्जी आना चाहिए। जहाँ पे मैं देखूँ तो आपका और आपके पार्टनर के बीच का कनेक्शन मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। देखिए, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जो है इस रिश्ते को लेकर के, इस एनर्जी को लेकर के मैं देखूँ तो थोड़ा सा इशू बनता हुआ दिख रहा है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि आपका आपके पार्टनर के बीच का जो रिश्ता है, देखिए आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर इम्प्रूवमेंट आएगी तो ये जो इम्प्रूवमेंट है ये जो है मेरे लक के ऊपर है, मेरे भाग्य में अगर इम्प्रूवमेंट लिखा है, मेरे भाग्य में अगर उसको मेरा होना लिखा है तो मेरा होगा या मेरी होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट यहाँ पे इनको लगता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू जो है कनेक्शन बना है, ठीक है। अगर जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्शन में नहीं है, है ना, और जो लोग जो है प्रैक्टिकली मिला करते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है ना, उसको आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और यहाँ पे दिख रहा है कि आजकल आपके ऊपर नज़र भी रखना इस पर्सन ने स्टार्ट कर दिया है। ये पर्सन मैच्योर नहीं है, अगर देखा जाए ना ये पर्सन मैच्योर नहीं है। अगर आपकी एनर्जी से देखा जाए ये पर्सन बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप मुझे मैच्योर ज़्यादा लगते हो, आपके पार्टनर मुझे मैच्योरिटी बहुत कम दिखते हैं, बहुत लो दिखते हैं, ठीक है। सो ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी दिख रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा फील होता है लिकर की एनर्जी आई है, जो कि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, आपके पार्टनर आजकल उदास ज़्यादा रह रहे हैं और आज की रात ये पर्सन का दिख रहा है कि कुछ है ना, यानी कि आपके पार्टनर समझ रहे हो इशारा, है ना, तो वो जो है आपके पार्टनर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, यानी कि कहें तो ड्रिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन जो है ना थोड़ा लग्जरियस लाइफ अभी जीना चाहते हैं, या कहें तो ये पर्सन जो है इनको पहले से आदत है ना ड्रिंक करने की, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन के ऊपर आज इतना ज़्यादा बोझ है, इतना ज़्यादा ये पर्सन को टेंशन है, इतना बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर कि ये पर्सन उस बर्डन को कैरी नहीं कर पा रहे हैं। और देखो सेम एनर्जी यहाँ पे भी निकल के आई है, सेम एनर्जी है यहाँ पे। आपके पार्टनर बहुत परेशान है, बहुत परेशान, और ये पर्सन सोच रहे हैं ड्रिंक वगैरह करने का, क्योंकि ये पर्सन को जितना हेडेक हो रहा है ये पर्सन उस हेडेक को संभाल नहीं पा रहे हैं, उस हेडेक को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में जितना भी है, जितने भी इश्यूज़ हैं, जितना भी कुछ हुआ है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ इसी पर्सन की वजह से हुई हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपका आपके पार्टनर के बीच का कनेक्शन बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम के साथ है ना
बना हुआ है, बहुत ही प्रॉब्लम के साथ ये रिलेशन बना हुआ है। कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो देखो आपके पार्टनर बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा उदासी परेशानी वाली एनर्जी दिख रही है। ऐसा लगता है कि बहुत, मतलब एक होता है ना कि बहुत उदास होकर के, बहुत परेशान होकर के, और आपके पार्टनर अंदर से जो है दुखी मन और दुखी आत्मा बने हुए हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर मैं देखूँ तो आपके और इस रिश्ते में थोड़ा सा है ना इम्प्रूवमेंट जो आना चाहिए वो इम्प्रूवमेंट आ नहीं पा रहा है, और आपके पार्टनर उसी का रोना रोते हुए दिख रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर के मन में डर भी है, क्लियर बल्ली बता दूं कि आपके पार्टनर के मन में डर भी है। डर इस बात का है कि पता नहीं आप क्या करोगे, क्योंकि आप जो है ना थोड़ा, मैंने जैसे कि कहा कि आप मैच्योर ज़्यादा हो, आप अपने पार्टनर से मैच्योर ज़्यादा हो, आप अपने पार्टनर को अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हो, या आप अपने पार्टनर को अच्छे तरीके से समझते हो, समझ करके जो है इनके साथ एक्शन लेना, डिसीजन लेना या बात करना, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है उसको बनाना और उसके साथ डील करना थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमैटिक दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी है, जितना भी कुछ है, ठीक है, जितना भी कुछ है, तो देखो क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कहीं रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे रिश्ता ख़त्म करने की एनर्जी में नहीं है, आपसे रिश्ता जोड़ने की एनर्जी में है, और आपसे रिश्ता जोड़ करके ही इनको चैन और सुकून आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे यही कहा, यही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका जो रिश्ता है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ आप दोनों डील करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कभी कभी ये लगता है कि आप इनको छोड़कर या आप इनको मतलब आप इनको तकलीफ में मतलब नहीं देख सकते आप। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर थोड़ा सा है ना डिस्टर्ब चल रहे हैं, एंड थोड़ा सा डिस्टर्ब चल करके है ना यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को है ना मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, ये पर्सन डील नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप में वो पावर देख रहे हैं जो कि हर किसी में नहीं होता है। हर किसी को ईश्वर ने वो पावर नहीं दी है, वो अचीवमेंट नहीं दी है, जिससे कहीं ना कहीं एक होता है ना कि हाँ लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाती है, लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइफ में जो है बहुत इश्यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितना भी कुछ है, जो भी कुछ है, थोड़ा सा इशू ठीक है क्रिएट होता है, लेकिन आप संभाल लेते हो। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप इनका बेस हो, यानी कि जिस तरीके से ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में चल रहे हैं या जिस तरीके से इन्होंने मुश्किलों का सामना किया है, आपके साथ किया है, उन मुश्किलों में कहीं ना कहीं आप इनके साथ रहे हो, और साथ आ करके मैं देखूँ तो आपका जो रिश्ता है ना ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। ठीक है, आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो है ना यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी था, जितना भी कुछ था, आपने देखा, आपने फील किया, आपने रियलाइज़ किया है, एंड मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका और आपके पार्टनर के बीच का जो रिश्ता है ना ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के डील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में जो है आपको इम्प्रूवमेंट जो है देखने को मिली है, एंड कहीं ना कहीं वो इम्प्रूवमेंट आप देख नहीं पा रहे हैं या आपको वो समझ नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके रिश्ते में जो है आपको कहीं ना कहीं सिक्स ऑफ कप्स के एनर्जी में है, तो यस आपके रिश्ते में आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, बहुत कुछ जानने को मिल सकता है, एंड मैं देखूँ तो आपका जो रिश्ता है सिक्स ऑफ कप्स के एनर्जी वाला है, यानी कि आप दोनों के रिश्ते में जो है एक पॉजिटिविटी, एक ऐसा रिश्ता दिख रहा है जहाँ से आपके पार्टनर अपने आप को निकाल नहीं सकते हैं। इनकी जो यादें हैं वो गहरी यादें हैं, बहुत गहरी यादें हैं, और ऐसा लगता है जैसे
जैसे होता है ना कि हाँ एक सोल कनेक्शन है, तो सोल से हम अपने सोलमेट से कितना भी दूर भागें हम दूर नहीं भाग सकते, हम बिल्कुल भी दूर नहीं भाग सकते उससे। क्यों? क्योंकि उसका और अपना रिश्ता जो है इतना स्ट्रांग होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि उसकी कोई हद नहीं होती है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर मैं देखूँ तो आपका रिश्ता बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है आपके कार्ड्स में। ठीक है, सो यस, ऐसी एनर्जी दिख रही है, द सन का कार्ड है, देख लो। ओके, फेट के साथ द सन का कार्ड। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे कार्ड बोल रहे हैं कि देखो, आपके पार्टनर ने क्या है ना, पेशेंस रखा है आपके पार्टनर ने, पूरी तरीके से प्लानिंग कर रखी है आपके पार्टनर ने, इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सारी प्लानिंग इन्होंने कर रखी है, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रखी है इस पर्सन ने। प्लानिंग करके जो है इस पर्सन को आगे बढ़ना है, इस पर्सन को बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत कुछ जो है ना चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है। आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी को मैं देखूँ तो आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा लगता है ना, जैसे कि होता है ना कि हम समझ करके और फिर से हम दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है जैसे कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में जितना भी कुछ है, जितनी भी कुछ चीज़ें हैं, है ना, वो आपके पार्टनर को याद आती हैं, या कहें तो वो आपके पार्टनर को फील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक, मुझे ऐसा वाइब, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितना भी कुछ है, जितना भी कुछ आपने देखा है, जितना भी कुछ आपने रियलाइज़ किया है, देखिए ये अनएक्सपेक्टेड है ये। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जस्टिस की एनर्जी आई है, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आपके पार्टनर ने बस अपने अंदर पेशेंस रखा है, प्लानिंग रखी है कि जो होगा बेहतर होगा, मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन ऑलरेडी मेंटली कहीं और से भी जो है बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत परेशान हैं आपके पार्टनर। हो सकता है कि लीगल मैटर भी चल रहा हो आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर देखो, सामने आकर के बात करना एक अलग होता है और फ़ोन पे बात करना एक अलग होता है। आपके पार्टनर बात तो करना चाहते हैं लेकिन फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, ठीक है अभी फ़िलहाल, क्योंकि जब भी आप इनसे सवाल जवाब करोगे, जब भी आप इनसे क्वेश्चंस पूछोगे, तो ये पर्सन कहेंगे कि अरे बेबी समझा करो ना। ये चीज़ें जो है ना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे यही दिखता है कि यस, आपके रिश्ते में थोड़ा सा जो इम्प्रूवमेंट है वो इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, और आ करके है ना आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि है ना रियलाइज़ आपके पार्टनर करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर काफ़ी अफसोस कर रहे हैं, अगर आपको लीगल मैटर, आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है आप दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ हैं आप दोनों, तो मैं आपको बता दूँ कि आप दोनों का जो रिश्ता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों के रिश्ते में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपका जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ है ना, ये रिश्ता थोड़ा सा कहते हैं ना कि आगे बढ़ जाना है ना, तो वो चीज़ें जो है ना मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आपके पार्टनर बहुत अफसोस कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में कि ये पर्सन मतलब फ्रंट पे आके बात क्यों नहीं करते हैं, फ्रंट पे आकर के चीज़ों का सामना क्यों नहीं करते हैं, फ्रंट पे आकर के आपके मतलब आपके सामने ये पर्सन टिक क्यों नहीं पाते हैं, ये पर्सन की एनर्जी ये बता रही है मुझे। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपका जो भरोसा है, आपका जो ट्रस्ट है आपके ऊपर, ये अपना दिखाते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं जाऊँ तो मेरा पार्टनर कम से कम मुझे मिले, उससे बात करे, है ना। ये पर्सन चूँकि देखो क्या होता है ना कि कभी कभी आपके पार्टनर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, जब आपके सामने आते हैं तो इनको लगता है कि मैं इसका सामना नहीं कर पाऊँगा, मैं इसके सामने नहीं टिक पाऊँगा, मेरा और इसका जो है ना मेल अगर होता है बड़ा दिक्कत होगा, बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि आपके रिश्ते में जो है आपके पार्टनर आपके साथ जो है ना कहते हैं ना कि आप
आपके रिश्ते में जो है एक खूबसूरती आती हुई दिख रही है, एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपका जो रिश्ता है जस्टिस जजमेंट की एनर्जी है, तो जजमेंट की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियर बताती है कि यस आपका रिश्ता जो है ना देखिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होकर के आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होकर के आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस ये जो रिश्ता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि यस ये जो रिश्ता है ना इस रिश्ते में पढ़ करके या इस रिश्ते में आ करके आपको काफ़ी कुछ सीखना है, काफ़ी कुछ समझना है, एंड आपके पार्टनर जो है आएंगे ज़रूर आपके साथ, जस्टिस भी होगा, आपके पार्टनर आपको जस्टिस देंगे ही देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ पे जस्टिस एंड जजमेंट दोनों एनर्जी साथ में आई है, तो आपके पार्टनर खुद से जो है चल करके आपके पास आएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन सोच भी रहे हैं, क्योंकि इनके जो थॉट्स हैं वो काफ़ी बदल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स के ऊपर ये पर्सन जो है अब पूरी तरीके से भिड़ चुके हैं कि मेरी खुशियाँ अब आपके हाथ में हैं, अब आपको देखना है कि आप मेरी खुशियाँ दोगे या नहीं दोगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से डील कर रहे हैं, और जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी पॉजिटिव फील हो रहा है कि हाँ आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आखिर है ये बात कि हाँ इनको पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम आ रही है आपके पार्टनर ने तो फेस कर लिया है, और अब ये नहीं चाहते हैं कि आप भी उस प्रॉब्लम को फेस करो, ठीक है। सो मुझे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना तो मुझे यही एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड्स में, ठीक है। सो ये ओवरऑल रीडिंग में मुझे दिखा है आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। सो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।